खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यही दिल्ली फिल्मिस्तान इसी फैक्ट्री से, वो ये सामने आ रही है कि इसी फिल्मिस्तान की अनाज मंडी की फैक्ट्री की चौथी मंजिल पर एक बार फिर से आग लग गई है। यही चौथी मंजिल जहां कल सबसे पहले आग लगी थी और यहीं से आग फैली थी, और अब फिल्मिस्तान में एक बार फिर आग की खबर है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आग पूरी तरीके से बुझी नहीं, अभी भी धधक रही है। कल जिस आग में 43 जिंदगियां खाक हो गई थी, आज एक बार फिर फिल्मिस्तान वही चौथी मंजिल और फिर से लगी है आग। लिए चलते हैं आपको मौके पर, वरुण जैन की रिपोर्ट दिखाते हैं। चौबीस घंटे बाद एक बार फिर से फिल्मिस्तान के अनाज मंडी के वो बिल्डिंग धधक उठी है। आप देख सकते हैं फायर की गाड़ी यहां पर पहुंची है, क्योंकि तीसरी मंजिल पर आप देख सकते हैं किस तरीके से धुआं निकल रहा है। कल इस बिल्डिंग ने 43 लोगों की जान ले ली थी। पूरा दिन आग बुझाने का काम चला था, कूलिंग प्रोसेस चला था, और एक बार फिर आज सुबह फायर ब्रिगेड को कॉल की गई कि इस बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर धुआं उठा है। और आप देख सकते हैं फायर की जो गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची हैं। घटना स्थल पर आपको एबीपी न्यूज लेकर जा रहा है कि किस तरीके से इस बिल्डिंग ने कल 43 लोगों की जान ले ली थी। ये वही जगह है जहां पर कल आग धधकी थी। एबीपी न्यूज पर आप पहली बार उस बिल्डिंग को अंदर से एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं, किस तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर जो गत्ते का काम था, अलग अलग तरह का काम चल रहा था, आप पहली बार देख सकते हैं एबीपी न्यूज के कैमरे की नजर से इस बिल्डिंग का नजारा। 6 मंजिला ये बिल्डिंग थी, पहला ये माला है जहां पर एबीपी न्यूज की टीम पहली बार पहुंची है। सामान पड़ा हुआ है और इसी के चौथी मंजिल पर जो थी वो आग लगनी शुरू हुई थी, जिसके बाद धुआं कुछ इस कदर बड़ा था कि वो आग देखते देखते 3 मंजिला इमारत के अंदर फैल गई थी। अब आप एक बार फिर से दूसरी मंजिल पर चल रहे हैं जहां पर जो लोग थे वो सो रहे थे। आप देख सकते हैं जो कॉल चलने के बाद फायर की टीम यहां पहुंची है और आग का कूलिंग प्रोसेस दोबारा से शुरू किया जा रहा है। इसी मंजिल से धुआं उठ रहा है और देख सकते हैं किस तरीके से जलकर पूरी की पूरी मंजिल खाक हो चुकी है। यहां एक बार फिर से धुआं उठ गया है। इसी मंजिल पर जो लोग थे वो फंसे हुए थे और चीख पुकार कर रहे थे कि किसी तरीके से कोई आए उन्हें बचा ले, लेकिन बिल्डिंग में धुआं इस कदर बढ़ गया था कि लोग बाहर नहीं निकल पाए। एक बार फिर से हम आपको आगे लेकर चलते हैं। अब हम तीसरे माले पर चल रहे हैं। 6 मंजिला ये पूरी की पूरी इमारत थी जिसने इतने लोगों की, 43 लोगों की जान ले ली। अब तक का सबसे बड़ा अग्निकांड उपहार कांड के बाद इसे दिल्ली का माना जा रहा है। एक्सक्लूसिवली आप एबीपी न्यूज के कैमरे से देख सकते हैं एक एक मंजिल उस बिल्डिंग की जिसने 43 लोगों को की जान ले ली, उनको ले लिया, जलकर बिल्डिंग खाक हो गई। देखिए किस तरीके से आग अभी भी धधक रही है। कूलिंग प्रोसेस कल से चल रहा था, डिक्लेयर कर दिया था कि जो आग पूरी तरीके से बुझ गई है, लेकिन जो आग है अभी भी हल्की हल्की धधक रही है। फायर के कर्मचारी लगातार लगे हुए हैं। कल भी फायर के जो कर्मचारी थे उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को यहां से निकाला था, और एक बार फिर से जो आग, जो चिंगारी है उसने वापस आग पकड़ ली है। 24 घंटे बाद एक बार फिर से फायर को यहां पर इमरजेंसी में बुलाना पड़ा। 2 गाड़ियां पहुंची हैं और उस बिल्डिंग को दोबारा से ठंडा किया जा रहा है। तो पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे से मौत की वो बिल्डिंग जिसने 43 लोगों की जान ले ली, लोग फंसे रह गए, वो गरीब मजदूर जो आए थे दूसरे शहर से यहां पर काम करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कि रोजी रोटी कमाएंगे, 2 जून की रोजी रोटी के लिए यहां काम करते थे, और इस फैक्ट्री ने उन सबकी जान ले ली। तो पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे से एक्सक्लूसिवली बिल्डिंग का पूरा नजारा अंदर से, वो मौत की बिल्डिंग जिसने 43 लोगों की रविवार तड़के जान ले ली, जिसके अंदर दम घुटने के चलते 43 लोग मौत के मुंह में समा गए। कई जो लोग हैं वो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तो पहली बार एबीपी न्यूज की टीम पहुंची है उस मौत की बिल्डिंग के अंदर, दिल्ली की वो मौत की बिल्डिंग जिसने 43 लोगों की
जान ले ली। कैमरामैन आजी चाकू के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज दिल्ली।